अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर स्थित चौकियों पर कब्जा करने के दौरान तालिबान को भारी खजाना हाथ लग गया है। तालिबान को इन चौकियों से 3 अरब पाकिस्तानी रुपया मिला है। तालिबान के लड़ाकों ने क्रॉसिंग पर कब्जा करने के दौरान ये पैसे अफगान सुरक्षा बलों से छीन लिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। बयान में तालिबान ने बताया कि कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में अफगान बलों की चौकियों से करीब 3 अरब पाकिस्तानी मुद्रा मिली है। इन चौकियों पर अफगान सुरक्षा बलों का नियंत्रण नहीं रहा। तालिबान का अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ हमला जारी है। तालिबान के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ लगी महत्वपूर्ण स्पिन बोल्डक सीमा पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता ने दावा किया कि इसके साथ ही स्पिन बोल्डक चमन और कंधार के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क मुजाहिदीन के कब्जे में आ गई है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पुष्टि की कि तालिबान ने क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो घटनाक्रम की जाँच कर रहा है। चौकियों पर कब्जा किए जाने के बाद गुरुवार को अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान समर्थक लोगों ने पाकिस्तान सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर जुटी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने बताया कि लगभग 400 लोगों की एक अनियंत्रित भीड़ ने जबरदस्ती सीमा पार करने की कोशिश की थी। उन्होंने पत्थर फेंके जिसमें हमें आंसू गैस का इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस हुई। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर काफी लोग इकट्ठा हुए थे। एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि हमें लाठी चार्ज करना पड़ा क्योंकि लोग बेकाबू हो रहे थे। चमन बॉर्डर पर तैनात एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है। तालिबान के एक सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान में घुसने की उम्मीद में सैकड़ों लोग अफगान की तरफ भी जमा हो गए थे। सूत्रों ने बताया कि वो पाकिस्तानी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। सीमा खोलने के लिए एक औपचारिक बैठक होनी है और उम्मीद है कि बॉर्डर 1 या 2 दिन में खुल जाएगा। इस क्रॉसिंग के जरिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत तक जाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि तालिबान का एक शीर्ष नेतृत्व दशकों से बलूचिस्तान प्रांत में ही है। साथ ही अनगिनत संख्या में तालिबान के लड़ाके भी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, जो अपने गुट को मजबूत करने का काम करते रहते हैं।